अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब व्यूअर्स? मेरे सब तारीफ होंगे भाइयों, आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ काफी नए फैंसियर्स के लिए जिनको बड़ा मुश्किल पेश आ रही होती है पेयरिंग के दौरान के बर्ड्स पेयरिंग नहीं बना रहे। तो क्या किया जाए कि भाई पेयरिंग बन जाए बर्ड्स की, बर्ड्स पेयरिंग नहीं बना रहे। लव बर्ड्स में भी, कॉकटेल्स में भी और बजीज में भी काफी इश्यू आ रहा होता है कि बर्ड्स पेयरिंग नहीं बना रहे। तो अब ये मेरा बॉन्डेड पेयर आपको पता ही होगा, ठीक है, ये मेरा बॉन्डिंग पेयर। मैं एग्जांपल देने लगा हूँ समझाने के लिए कि क्या करें ताकि आपके पेयर्स बन जाएं। होता है ऐसा कि अगर आपने पेयरिंग बनानी है तो सबसे पहले आपने जिस केज में आपने पेयरिंग लगानी है, फॉर एग्जांपल इस केज में आपने पेयरिंग लगानी है, ये जो पेयर आपका केज है इसमें आपने पेयर लगाना है, इससे ब्रीड इधर लेनी है, वहां पे आपने मेल को छोड़ देना है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए अकेले मेल को, और इसके साथ वाला जो केज है इस तरह खाली पड़ा हुआ है उसमें आप छोड़ दो फीमेल को। पहली बात तो होगी ये। सेकंड चीज क्या होगा, जब वो दोनों आपस में रहेंगे उनको कोई बर्ड दूसरा नजर नहीं आएगा तो वो मेल अपने डोमिनेसी उसमें पकड़ लेगा केज में, ठीक है, फिर वो आपस में अट्रैक्शन उनको वैसे ही आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, मेल को अपनी जगह पे रखना है, फीमेल को यहां से निकाल के मेल के साथ छोड़ देना है। उससे क्या होगा, मेल का अपने पिंजरे पे होगा रोब, जिस वजह से वो क्या करेगा उससे पेयरिंग बना लेगा, ठीक है। तो ये है पहली ट्रिक। अब मैं आपको इसी फॉर एग्जांपल देता हूं, मैंने ये पेयर को उल्टा लगाना है, मैंने इसकी फीमेल जो है उस मेल को देनी है और उसकी फीमेल जो है इस मेल को देनी है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे छोड़ के दिखाता हूं कि मेल अपने केज में होता है तो उसकी एग्रेशन होती है, वो फीमेल से डरता नहीं। अगर आप फीमेल के वाले केज में नर को छोड़ोगे तो फीमेल नर को मारेगी, क्यों, क्योंकि उसके केज में उसका रोब होता है, क्योंकि वो काफी दिनों से उस केज में रह रही होती है तो उसका रोब होता है तो वो मेल को मार देती है, ठीक है। तो ये चीज है, कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने फीमेल के केज में मेल को छोड़ना है। आपने क्या करना है, फीमेल को पकड़ के दूसरे केज में छोड़ना है। मैं आपको दिखाता हूं, अब ये फीमेल है मेरी एग्जीबिशन की माशाल्लाह से, अब मैंने इसकी पेयरिंग चेंज करनी है, मैंने इसको पकड़ा ऊपर छोड़ दिया। अब इसकी जरा एक्टिविटी चेक करें जरा मेल की। अब मैं यहां से दूसरी फीमेल पकड़ रहा हूं, ठीक है, मैं पकड़ के इसको छोड़ रहा हूं नीचे, आ जाओ, फीमेल पकड़ के मैंने छोड़ दी इस केज में, मेल दोनों की पेयरिंग मैंने अलग अलग कर दी। अब जरा एक्टिविटीज चेक करते हैं कि क्या करते हैं ये, ठीक है। अब वो मेल है, उसका डोमिनेंसी है उस केज के ऊपर, दूसरे वाले मेल की उसके ऊपर डोमिनेंसी है। डोमिनेंसी का मतलब उसका रोब है क्योंकि वो उस पर ब्रीड कर रहा है। अब वो माशाल्लाह से मेल एक्टिव होने लग गया फीमेल की तरफ, देखते हैं क्या होता है, वहां से उधर भी देख रहे हैं, ये मैं लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए इस चीज की। अब ये देखें, मेल उसकी तरफ अट्रैक्शन करेंगे क्योंकि मेल का केज था, फीमेल अब एग्रेसिव अंडों से उठाई है तो उसको हल्का फुल्का मारेंगी, मगर क्या है इधर मेल की डोमिनेंसी होगी, मेल उसको साथ पेयरिंग बना लेंगे। देख लीजिए इसका, और देखें मेल एग्रेसिव है अपने केज पे, ये देख सकते हैं, और देखें नजर आ रहा है, अब उसने एकदम पेयरिंग बनाने के लिए सेटिंग कर ली है। ये होता है फायदा पेयरिंग का, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से मेल जो है अपने केज में था, उसने क्या किया एकदम उसके साथ सेटिंग कर ली, क्योंकि मेल की वो देखे बॉक्स में मारी जा रही है, देख रही है, मगर वो थोड़ी देर सेटिंग में, अभी तो ये अभी आपके सामने एक मिनट में छोड़ी है तो ये टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, मगर ये एडजस्ट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि मेल की डोमिनेंसी अपने केज पे तो वो उसको फीमेल के साथ एग्रेसिव हो जाएगा और उसके साथ पेयरिंग बना लेगा। वो तो मैंने अंडों से दोनों फीमेल उठाई है ब्रीडर, तो इसलिए थोड़ी सी फीमेल एग्रेसिव है। अगर इनको आप थोड़ा सा अलग रखोगे मेल से दोनों फीमेलों को और फिर मेल के साथ छोड़ोगे तो बहुत जल्दी ये पेयरिंग बना लेंगे। इसी तरह कोई भी बर्ड हो, लव बर्ड हो, कॉकटेल हो, कोई भी अगर आपके बर्ड पेयरिंग नहीं बना रहे तो उनको आप कुछ दिनों के लिए ऐसे अलग रखें अलग अलग पिंजरे में, और जो उनका मेल का डोमिनेंसी वाला पिंजरा होता है उसमें मादी को छोड़ना है आपने, उधर भी मेल एग्रेसिव हो जाएगा क्योंकि मेल ने ब्रीड करी हुई है, इधर मेल का उसके ऊपर रोब है, फिर मेल का रोब नहीं होगा इतना, वो एकदम फिर थोड़े अरसे में एडजस्ट हो जाएगी और ब्रीड कर लेगी। अतः कि मैंने डायरेक्ट पेड़ तोड़े आपके सामने, वो बॉक्स में भी चली गई है, ठीक है ना, ये चीज़ है, दोनों फीमेल बॉक्स में चलेगी, ऊपर भी फीमेल बॉक्स में चलेगी, नीचे भी फीमेल बॉक्स में चलेगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आप देख सकोगे, देखना इनमें इंशाल्लाह दोनों के पेयर्स कंप्लीट बन चुके होंगे। अब वो मेल फीडिंग वहाँ से करवा रहा है फीमेल को,
और ऊपर वाला मेल भी ऐसे फीमेल को फीडिंग करवाने के लिए कर रहा है, क्योंकि दोनों फीमेल ब्रीडर है, दोनों ने एक साथ अंडे दिए हुए थे, इसलिए मैंने इनको हटा के ऊपर नीचे डाला है। तो वो इसलिए जल्दी बॉक्स में भी चलेगी। अगर ये इनको ब्रीड से हटाया होता और फिर इनको छोड़ता मेल के साथ, तो मेल जल्दी इनको उसी टाइम पेयरिंग बन जाती। फीमेल हीट पे आती है तो एकदम वो फीमेल बैठ जाती है और वो फीमेल क्रॉसिंग कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कल ही मैंने पेयर छोड़े थे और ये माशाल्लाह से बॉन्डेड हो चुके हैं दोनों। ये होता है फायदा, एक दिन के अंदर पेयर ब्रीडर पेयर एक्सचेंज हो गए। एक दिन में क्या किया मैंने, फीमेल एक्सचेंज करी है और मेल अपनी जगह पीछे। माशाल्लाह से बॉन्डेड हो गए, बॉक्स में जाने शुरू होगी और नीचे वाली फीमेल भी निकालेंगे हम बाहर। ये देख सकते हैं ये भी पेयर बन चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कर सकते हैं दोनों पे बन गए, एक दिन भी पूरा नहीं लगा होगा इनको। यहाँ पे मैंने ये किया, यहाँ पे भी मैंने पेयरिंग चेंज करी। ये मेरा वो एक पाँव वाला मेल है जिसका एक पाँव और साथ साथ से मेल छोड़ी है मैंने, तो मेल बॉक्स में जाना शुरू हो गया और पेयर बन गया। क्या मेल को अपनी जगह से हटाना नहीं है, फीमेल को सिर्फ चेंज करना है। अब ये दोनों ब्रीडर फीमेल्स आपके सामने, आप मेरी लोग जो वीडियो देखते हैं उनको पता होगा ये दोनों ब्रीडर फीमेल्स हैं। तो दोनों ब्रीडर फीमेल को मैंने एक ही दिन में पेयरिंग चेंज हो गई, ठीक है। ये होती हैं टिप्स जो कि बहुत कम लोग शेयर करते हैं। ये शेयर करने का मकसद ये था कि नए फैंसियर्स के लिए बहुत इशू आ रहा था, प्यारा तो चार पेयर नहीं बन रहे होते, तो उनको आइडिया नहीं होता कि क्या किया जाए, किस पेयरिंग डन हो जाए, ठीक है। इतना टाइम लगता है और प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, उनके पास वो एक दिन में पेयर चेंज कर लेते हैं, उनके पास पेयर लग जाते हैं, वो एक मेल को दो दो तीन दिन फीमेल का एक्सचेंज कर लेते हैं। वो यही टिप्स होती हैं जिसकी वजह से उनको बेनिफिट आते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद यही है कि नए फैंसियर्स को फ़ायदा हो, क्योंकि अब मेल की डोमिनेंसी है, मेल अपने केज पे डोमिनेंट है, ठीक है, उसका रोब है, इसलिए वो कितना खुश होता है अपने केज पे, और उसका रोब होता है इसलिए फीमेल के साथ जब कुछ छोड़ते हैं हम नई फीमेल के साथ, तो वो बहुत जल्दी पेयरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों मेल्स के अपने अपने केज से फीमेल आता है कि एक ऊपर वाली की मेल नीचे दी है और नीचे वाली की फीमेल ऊपर। ब्रीडर फीमेल एग्जीबिशन की देख सकते हैं आप, मेरी वीडियो देखते होंगे आपको आइडिया होगा कि मेरी एग्जीबिशन की फीमेल नीचे ये इसमें क्लच की है, सारे पाँच क्लच नीचे वाले मेल के साथ, और ऊपर वाली फीमेल ने तीन क्लच दी हैं ऊपर वाले मेल के साथ। और माशाल्लाह से मैंने पेयरिंग एक्सचेंज कर दी, इसलिए एक्सचेंज करी कि अब इनके जो बच्चे आएंगे उनको आपस में क्रॉस ब्रीड करवा सकूंगा, क्योंकि मैं एग्जीबिशन की वर्किंग कर रहा हूँ। पहले मैंने इस मेल से ले लिए, अब इस फीमेल से ले रहा हूँ माशाल्लाह से, और जब ये ब्रीड करेगी तो उसके बाद एक और मेल से एक्सचेंज करके उससे भी ब्रीड ले लूँगा, तो ये मेरे पास दो तीन किस्म की लाइन्स आ जाएंगी, इनके बच्चों को मैं आपस में क्रॉस ब्रीड करवा सकता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। इसी तरह आप जो नेक्स्ट वीडियोस मेरी आ रही हैं वो आ रही हैं लबर्ड्स के ऊपर, कि अब मैंने लबर्ड्स लगा लिए हैं। ये मेरा पेयर आया है माशाल्लाह से, ये आया मेरा डेकिनो का पेयर है, नवी सब से आया या नवी शेख सब से मैंने मंगवाया लाहौर से, ठीक है। तो अब हम इस पर बात किया करेंगे कि जेनेटिक्स के ऊपर बात करेंगे कि अल्बाइनो कैसे वर्क करता है, फिश ग्रीन सीरीज के बर्ड्स कैसे वर्क करते हैं, ब्लू सीरीज किसे कहते हैं, ग्रीन सीरीज किसे कहते हैं, किस पेयरिंग को किसके साथ लगाए तो क्या प्रोड्यूस हो सकता है। तो अब हम इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। काफ़ी लोग थे जो कि लव बर्ड्स के लवर्स थे, ठीक है, तो उनको शायद मेरी वीडियोज इतनी पसंद नहीं आती थी क्योंकि मैं रेनबो बजट पे काम कर रहा था, और इंशाल्लाह इसीलिए आप लोगों के लिए अब ये वीडियोस लेके आऊँगा लव बर्ड्स के ऊपर भी। तो इंशाल्लाह वेट करें, मेरे आइडियल हैं नवी शेख सर, उनसे जो कुछ मैं सीखूँगा तो मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो लोग लव बर्ड्स को लाइक करते हैं वो भी, उनको भी अब इन्फॉर्मेशन वीडियोस मेरे चैनल से मिलती रहेंगी। तो अगेन सबसे रिक्वेस्ट है भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वो आप लोगों को पास नोटिफिकेशन आ सके और आप लोग देख सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।